दोस्तों ये है एक्वा जॉबिंग एंड जॉसर। तो हो गए ना एक्साइटेड आप भी? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं खूबसूरत सा नज़ारा, यह है भीमताल। इसकी वीडियो हमने पहले अपने चैनल पर बना के दिखाई थी, होप आपने देखी होगी। तो एक खूबसूरत सा नज़ारा है भीमताल का, बहुत ही बढ़िया प्लेस है टूरिस्ट के लिए। और साथ ही साथ एक और प्लेस है जो कि भीमताल से थोड़ा आगे जाके आती है, ये है वो प्लेस। देख सकते हैं आप, ये भी बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा है। यह है नौकुचिया ताल दोस्तों। तो यह भी एक लेक का ही यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर भी दोस्तों दोनों जगह एक्वा जॉबिंग एंड जॉसर स्पोर्ट कराया जाता है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो दोस्तों जानते हैं क्या है ये स्पोर्ट्स और क्या खूबियाँ हैं इसकी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे इसे यहाँ पर कराया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एक जॉबिंग है, यहाँ पर जॉबिंग इसको बोलते हैं, जो कि एक बलून टाइप का रहता है जिसमें एयर भरी जाती है। उसमें यहाँ पर अंदर कोई भी अगर हमारे जैसे एडल्ट्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर भेजा जाता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं वीडियो में। और उसके बाद इसको यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है, जो कि इसका दरवाज़ा है जिसको बोलेंगे हम, एक पर्दा टाइप का लगाए रहते हैं। अरे बिल्कुल सेफ स्पोर्ट्स होता है दोस्तों, पानी के ऊपर कराया जाता है बिल्कुल लेक के ऊपर। और इस तरीके से इसको फिर आगे फ्लोट कर दिया जाता है। इसके अंदर जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे कि बच्चे गए हैं या फिर एडल्ट लोग जो भी गए हैं जिनको ऐसा स्पोर्ट्स पसंद है, तो उनको इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि ये रोटेट करना पड़ता है, मतलब आपको पानी के ऊपर चलना है या फिर उसको स्पिन करना है या आपको कुछ एक्सरसाइज टाइप में करनी है, तो वो सब एक्टिविटी इसके अंदर होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अंदर मज़े ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक दो बच्चे हैं और एक एडल्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो पर देख पा रहे हैं। तो ये जॉब जो होता है इसको मतलब एक चैलेंजिंग वो स्पोर्ट टाइप का रहता है। तो ये इसमें क्या रहता है, जो ये बाहर से जॉबिंग है ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर, जिस कारण इसको एक्वा जॉबिंग भी कहा जाता है। और ये एक तरीके का स्पोर्ट्स है जो कि गोवा में कराया जाता था, लेकिन अभी हमारे कुमाऊं में यहाँ पर भीमताल और यहाँ पर नौकुचियाताल दोनों ही लेक में कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सातताल जो अभी है वहाँ भी रिसेंटली ये खुल चुका है। तो आप अगर इन कुमाऊं के एरिया में अगर घूमने के लिए आते हैं तो आप इस स्पोर्ट्स को ज़रूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रेट भी इसके काफ़ी सही हैं, जो मैं रेट तो यहाँ पर बता नहीं सकता, लेकिन जब भी आप यहाँ पर आए घूमने के लिए तो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ और वीडियो भी ली है जो स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं इसको आगे और कितना मज़ा यहाँ पर आता है, आप शायद इस वीडियो के द्वारा जान सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। तो ये भीमताल लेक का भी ये वीडियो है जो कि मेरे सामने मैंने स्क्रीन पर चलाया हुआ है, ये स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया वीडियो है। तो ये भी एक जॉबिंग है, तो वाटर बैलूनिंग भी आप कह सकते हैं, जिन लोगों को ये समझ नहीं आता है वाटर स्पोर्ट्स होता है। ज़्यादातर ये पहले गोवा में ही हुआ करता था, तो अभी ये हमारे कुमाऊं में भी शुरू हुआ है, जो कि आप मेरी वीडियो पर देख पा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों द्वारा वीडियो बनाई गई हैं, इसका आनंद लीजिए और आप भी कोशिश करिए कि आप यहाँ पर आएँ और इस स्पोर्ट्स का मज़ा लें। चलो चलो लगातार भागो लगातार। खड़े हो क्या? चलिए एकदम तेज दौड़ना है, एकदम तेज। अरे गति से पकड़ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में भी यहाँ पर बोला गया है कि आप इसके अंदर दौड़िए तेजी से, और वाटर बैलून ये जो है जो कि जॉबिंग है ये फ्लोट करेगा यहाँ पर वाटर के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। और जो ये रस्सियाँ लगी हुई हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए हैं, ताकि दूर इनको डायरेक्शन सही दी जाए और ज़्यादा दूर ना जा पाए ये। जब अगर लोग इसके इसमें थक जाते हैं तो ये रस्सियों द्वारा इसे खींच लिया जाता है, तो यही इसका मतलब मेन पर्पस है सेफ्टी के लिए।
देख सकते हैं हमारे स्थानीय लोगों द्वारा ये वीडियो बनाया गया है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन दबाइए।